सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी की। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौहान खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच 1191 में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामिनी। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला देने का दृश्य का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर, मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शख्स कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? खान। क्वेश्चन नंबर 14, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। 15, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। अलबरौनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। वह ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या या किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। रैदास किसके शिष्य से? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? उत्तर, गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? उत्तर, तलवंडी में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकर देव। इसमें हो सकता है रामदास हो, इसको देख लीजिएगा। 27, मुकुल दास ने किस का घोर विरोध किया? उत्तर, तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है, किसने कहा? नामदेव ने। गुरु शंकराचार्य किसके प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के। रामानंद किस सिद्धांत पर जोर दिया? एकेश्वरवाद पर। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन थी? निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत कौन थे? उत्तर, कबीर और नानक। सूफी आंदोलन। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। किस सूफी सिलसिले की गतिविधि का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? उत्तर, एकांतवाद और पवित्र जीवन। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से पुकारते थे? उत्तर, महबूब इलाही। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया था? उत्तर, ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया था? उत्तर, ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा? उत्तर, निजामुद्दीन औलिया ने। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? उत्तर, हरिहर द्वितीय। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में।
कृष्णदेव के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? उत्तर 8 तेलुगु कवि। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालिकोट्टा का युद्ध। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? उत्तर पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? महमूद गांव को। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गांव ने। किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामा स्वामी मंदिर। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह। यह अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, यह कहाँ स्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। हरिहर किसका पुत्र था? उत्तर संगम का। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्य पुस्तक किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुचार्य। कबीर के मुख्य गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। विजय के रचयिता कौन है? कबीर। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज।